यूपी के बाराबंकी में एमपी एमएलए कोर्ट में फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव की अदालत में मुख्तार पेश हुआ। इस दौरान बाहुबली मुख्तार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताकर आरोप मुक्त किए जाने की अपील की। मुख्तार ने जज के सामने कहा कि कोर्ट ले जाने की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है, ऐसे में उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने मुख्तार से लिखित बयान देने को कहा है और कहा कि उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। पहले की भांति इस बार भी बाहुबली मुख्तार अंसारी ने जज के सामने बादा जेल में टीवी की मांग की और कोर्ट से जेल मैनुअल की धारा 270 का जिक्र कर कहा कि वो 25 साल से विधायक हैं, लिया जाए उन्हें उच्च श्रेणी की सारी सुविधाएँ मिलनी चाहिए जिसको दिलाने की जिम्मेदारी कोर्ट की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 23 सितंबर को दी है। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट पीठासीन अफसर श्री कमलकांत श्रीवास्तव की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी साहब की पेशी, जिसमें अगली तिथि 23/9/2021 मुख्तार अंसारी साहब ने आपके न्यायालय श्रीमान जी से प्रार्थना की कि मेरे ऊपर आरोप कौन से हैं। मैं जेल में हूँ, जेल प्रशासन को आपके न्यायालय तक ले जाना था तो वो आपके उनकी जिम्मेदारी है, और मेरे ऊपर अगर कोई आरोप नहीं है तो मुझे आरोप मुक्त कर दिया जाए। इस पर न्यायालय ने कहा कि आप आरोप के समय अपना लिखित वर्णन जो है लिखिएगा और उसके ऊपर न्यायालय यथोचित आदेश पारित करेगा। मुख्तार अंसारी ने ये भी न्यायालय को बताया कि जैसे टेलीविजन उपलब्ध कराने का आदेश है लेकिन जेल प्रशासन उस आदेश को नहीं मान रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि 25 साल से मैं विधायक हूँ, किसी भी विधायक को निरुद्ध काल में आपके उच्च श्रेणी की सुविधा प्राप्त होती है लेकिन मुझे उच्च श्रेणी की सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि जेल मैनुअल की धारा 287 के तहत आपके मुझे ये सारी सुविधाएं प्राप्त करने का हक है। और उन्होंने ये भी जानकारी न्यायालय को दी कि पूरे प्रदेश में अगर कोई पूर्व विधायक भी बंद है तो उसको उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्राप्त हैं, तो कानून सबके लिए एक है, समानता के आधार पर ये सारी सुविधाएं उच्च श्रेणी की मुझे बांदा जेल में मुहैया कराई जाए। और उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि हम आपकी न्यायिक अभिरक्षा में हैं और कानून का पालन जेल के अंदर कराने का दायित्व आपका है।